हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी वीडियो में। और गाइस, अभी आप देख सकते हो मुझे मिल चुकी है खतरनाक सी बाइक। ये बाइक सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस बाइक को मैंने खरीदा है सिर्फ $100 में। अब आप सोच रहे हो $100 में कैसे खरीदा, अभी बताता हूँ। सबसे पहले जाके मैंने गन स्टोर से एक $100 की पिस्टल खरीदी, उसके बाद जिसके पास ये बाइक थी उसको जाकर मार दिया। एक सेकेंड, ये क्या चल रहा है उस बीच के पास, ये कहां से, ये कौन से धमाके हो रहे, क्या चल रहे वहां पर, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाके हो रहे हैं। कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक तो ये मिट्टी पर बाइक भी नहीं चल रही। जल्दी चलकर देखते हैं क्या चल रहा है। वहां पर मुझे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अरे हेलो अंकल, क्या हो गया, यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर एक खतरनाक सा UFO लैंड होके क्रैश हो चुका है। क्या UFO? तो वही होता है ना जिसमें एलियन होते हैं। हाँ हाँ बच्चे, वही होता है जिसमें खतरनाक एलियन होते हैं। अरे तो तुम सब इधर ये खड़े हो, एलियन को मारने का वेट कर रहे हो क्या। अरे बच्चे मैं डरता नहीं हूँ। अरे काइजर, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक UFO क्रैश हो चुका है और ये सब लोग पता नहीं क्यों यहाँ पर देख रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। अरे काइजर ये क्या, इसमें से तो धुआं और आग दोनों निकलना बंद हो चुकी है, पर ये इसमें अंदर से कौन निकल रहे हैं। आखिरकार हम अर्थ पर आ ही गए मेरे सारे साथियों, बाहर हो जाओ, हमें अर्थ पर कब्जा करना है। ये क्या, यहाँ पर तो कितने सारे लोग खड़े, हम तुम सबको खत्म कर देंगे। अबे तेरे एलियन के बच्चे, ये ले पत्थर का, निकल यहाँ से, निकल निकल। लगता है तुम मुझे देखकर डरे नहीं। कोई बात नहीं, अभी मेरे बॉस को बुलाता हूँ। बॉस आ जाओ, हम अर्थ पर आ चुके हैं। फाइनली हम अर्थ पर आ गए मेरे बच्चों। जाओ पूरे लॉस सेंटोस को, उसके बाद पूरे अर्थ को हमारा नौकर बना दो, सब के सब एलियन बनेंगे। बॉस, इन लोगों को हमसे डर नहीं लग रहा। क्या मुझसे डर नहीं लग रहा, ये लो भागो, सबको खत्म कर दूंगा। भागो, जल्दी जल्दी भागो, सबके सब भागो, रुको मत। अरे वो मॉन्स्टर तो सही में बहुत ही खतरनाक है। इसको पकड़ो, इसने हमारे ऊपर पत्थर फेंके थे। अरे सॉरी सॉरी भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ से निकलो फटाफट से, ये एलियन लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे, मैंने इनको पत्थर क्यों मारा यार, जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। रुक जा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसर, ये एलियन तो सही में बहुत खतरनाक है, और इनका बॉस कितना ज्यादा बड़ा था। मेरी बाइक पीछे छूट चुकी है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे लगता है वो मेरे पीछे अब नहीं आ रहे, मुझे यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए। रुक जाओ, एक सेकंड, ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। अबे ये तो चारों तरफ से आ रहे हैं, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, पर कहाँ भागू, कहाँ जाऊँ, मुझे बहुत ही डर रहा है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया, सॉरी सॉरी, अगली बार पत्थर नहीं मारूंगा। अरे कैसर, ये लोग तो सही में बहुत ही खतरनाक है। हम पूरे लॉस सेंटोस को अपना नया घर बनाएंगे, सारे लोगों को एलियंस में कन्वर्ट करके। जाओ मेरे बच्चों। अरे किसके बच्चों, मुझे मत करो कन्वर्ट, मुझे एलियन नहीं बनना, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए फटाफट से। रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्यों रुक जाओ, शादी है क्या, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ कैसर, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। सारे के सारे लोग भाग रहे बोट्स में, मुझे भी जाना है, ये लोग तो मेरे पीछे पीछे आते जा रहे हैं, मुझे कोई तो बचा लो। फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, तुम्हारा एस्गार्ड का दोस्त तुम्हें बचाने आ रहा है, ये लो एलियंस। इन सारे एलियंस को मैं नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ यहाँ से, आ जाओ फ्रैंकलिन। अरे थोर थोर, तुम मुझे बचाने कैसे आ गए। मैंने ऊपर से देखा तुम्हारे पीछे एलियंस पड़े थे, जल्दी बैठो। हाँ बैठो बैठो, ये क्या, इसमें तो एक ही सीट है, कहाँ बैठेंगे। अरे ऊपर छपरे में बैठो। क्या छपरे पे, चलो ठीक है बैठ जाता हूँ, जल्दी चलाओ प्लेन भगाओ। अरे जल्दी जल्दी भगाओ, वो सारे एलियंस हमारे पीछे आ रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, एस्गार्ड का राजा तुम्हारे साथ है। मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे ये कौन सी जगह है प्लेन पे बिठाने की। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, ये बहुत ही सेफ है, मैं आज तक इस पर एक बार भी नहीं बैठा। अबे इसको जोक की लगी पड़ी है, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे बचाओ। वो सब छोड़ो फ्रैंकलिन, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ, ये एलियंस कहाँ से आए। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बीच पर गया था अपनी बाइक लेके, वहाँ पर एकदम से खतरनाक धमाका हुआ और मुझे पता चला कि वहाँ पर एक UFO आ चुका है जिसमें से बहुत
सारे एलियंस निकले और उनका खतरनाक सा बॉस, वो बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, क्या वो लाल कलर का तो नहीं है? हाँ, वो लाल कलर का ही है। अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे क्यों, क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन, ये वही एलियन है जिसने पूरे एस्गार्ड को तबाह कर दिया था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आके रहता हूँ। क्या, एस्गार्ड को तबाह कर दिया? एस्गार्ड में तो सारे सुपर हीरोज रहते हैं, फिर भी तबाह हो गया? हाँ फ्रैंकलिन, ये एलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें लॉस सैंटोस छोड़ देना चाहिए। अरे लॉस सैंटोस क्या, ये तो पूरी अर्थ को खत्म करने पर तुले हुए, तो हमें इस अर्थ को भी छोड़ना होगा। अरे अर्थ छोड़कर कहाँ जाएंगे? रुक जाओ, मुझे लगता है एवेंजर्स के पास कोई आइडिया होगा, चलो मुझे वहाँ पे लेके चलो। फ्रैंकलिन, कोई इसे नहीं रोक सकता, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे ऐसा तो ना हो सकता है, हम अपनी अर्थ को खत्म होने नहीं दे सकते। अभी हम जाने वाले एवेंजर्स हाउस, फिर हम मिलकर बैठकर कोई अच्छा सा आइडिया सोचेंगे। मैं तुम्हारे साथ कोई आइडिया वाइडिया नहीं सोचने वाला, मैं तुम्हें एवेंजर्स हाउस पर छोड़कर जा रहा हूँ, अर्थ को छोड़कर, वो बहुत खतरनाक है, हम सबको खत्म कर देगा। अरे तुम कैसे सुपर हीरो अर्थ छोड़कर चले जाओगे, वो भी डर के? तुमको जो बोलना है बोलो फ्रैंकलिन, पर मैं इधर नहीं रुकने वाला, चलो उतर जाओ। अरे थोर मेरी बात सुन, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। मुझे मिलकर कुछ नहीं करना, बाय बाय। ये क्या हो गया? ले, अब तो तेरा प्लेन भी क्रैश हो गया, अब कैसे जाएगा? फ्रैंकलिन, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, मैं तैर कर जाऊंगा इस पूरी अर्थ से बाहर। बाय बाय फ्रैंकलिन। तो गाइस सर, जैसा आप सबने देखा, थोर तो यहाँ से जा चुका है क्योंकि वो डर चुका है उस खतरनाक से एलियन से। पर गाइस सर, मैं भागकर कहीं नहीं जा सकता, हमें लॉस सैंटोस को और पूरी अर्थ को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। तो फटाफट से कमेंट में लिख दो सेव अर्थ, अगर आप चाहते हो कि हमारी अर्थ बच जाए। अगर आप सेव अर्थ कमेंट नहीं करोगे तो हमारी अर्थ पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। जल्दी जल्दी सेव अर्थ कमेंट कर दो और हम चलकर एवेंजर से बात करते हैं। आयरन मैन, मेरी बात सुन। ये क्या, यहाँ पर तो ये ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अरे फ्रैंकलिन आओ आओ। अरे ये क्या, ये ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच गए, तुम्हें भी पता चल गया क्या? अरे ये सब मेरे सामने तो हुआ है, एक खतरनाक सा यूएफओ लैंड हुआ, क्रैश हुआ, उसमें से ये खतरनाक एलियंस निकले और इनका बड़ा सा बॉस। क्या मतलब, इनसे भी खतरनाक हो रहे? अरे हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो बहुत ज्यादा बड़ा भी है। और थोर को जब पता चला तो वो अर्थ छोड़कर जा चुका है क्योंकि उसी खतरनाक से एलियन ने एस्गार्ड को भी खत्म किया था। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे हाँ, वो सही में बहुत ही खतरनाक है। पर एक सेकंड, तुमने इस वाले एलियन को क्यों नहीं मारा, इसको को जेल में डाला है? रुको मैं मारता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसको मत मारना, वो स्पाइडरमैन है। क्या, स्पाइडरमैन है? हाँ, ये सारे एलियंस थे, हमारे घर पर अटैक किया था और उन्होंने फिर स्पाइडरमैन को काट खा लिया, फिर स्पाइडरमैन भी एलियन बन गया। क्या, स्पाइडरमैन भी एलियन बन गया? ये लोग तो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी फैल रहे हैं। मुझे पता चला है, इन्होंने आधा लॉस सैंटोस ऑलरेडी कवर कर लिया है, मतलब लॉस सैंटोस के आधे लोग ऑलरेडी एलियंस बन चुके हैं। क्या, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत तेज फैल रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा चलता रहा तो एक घंटे के अंदर अंदर पूरा लॉस सैंटोस एलियन सैंटोस बन जाएगा और फिर सबका सब खत्म हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो आयरन मैन, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करें? अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्या होगा, पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा। अरे हमको ऐसा नहीं होने दे सकते, थोर तो भाग गया पर हम इस लॉस सैंटोस को बचा के रहेंगे और स्पाइडरमैन को भी, बेचारे की हालत क्या हो चुकी है, एक एलियन बन चुका है ये तो। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? अरे मेरे पास कैसा आइडिया होगा, तुम सुपर हीरो, तुम कुछ आइडिया निकालो। उड़ी बाबा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बताओ बताओ। हम सब भी अर्थ छोड़कर चले जाते हैं। वाओ डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या आइडिया है, एकदम सुपर हीरो वाली बात करिए। तुम सब छोड़ो, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कैसे रोक सकते हैं एलियंस को। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे बताए, हमारे पास लैपटॉप है। अरे बाबा, क्या एलियंस को लैपटॉप फेंक के मारोगे? अरे पागल हो गए डॉक्टर स्ट्रेंज, इस पर मैं सर्च करूंगा कि हम कैसे इन एलियंस को हरा सकते हैं, क्योंकि गाइस सर गूगल पर हमें सब का सब मिल जाता है, तो ये भी मिल जाना चाहिए, इन एलियंस को कैसे खत्म कर सकते हैं। फटाफट से सर्च करते हैं गूगल पर, देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो गाइस सर, हम यहाँ देख सकते हो, हम लोग आ चुके अपने गूगल पर और हम यहाँ पर सर्च करने वाले लॉस सैंटोस में
खतरनाक एलियंस को कैसे मारे? जल्दी बताओ, बहुत डर लग रहा है क्योंकि सही में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने लिख दिया, फटाफट से सर्च करते, देखते हमें क्या पता चलने वाला है। और गाइस अभी आप देख सकते हो, हमने सर्च किया लॉस सैंटोस में खतरनाक एलियंस को कैसे मारे, जल्दी बताओ, बहुत डर लग रहा है। और गाइस गूगल ने यहाँ पे हमें कुछ दिखा दिया है, ये खतरनाक सी एक गन की फोटो मुझे दिखाई दे रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप मारना चाहते हो इन खतरनाक एलियंस को तो आपको चाहिए होगी एक गन, पर ऐसी गन दुनिया में सिर्फ एक ही है जो कि टेक्नो गेमर्स के पास है। अरे काइजर ये क्या, ऐसी गन दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो टेक्नो गेमर्स के पास है? मैं कहां से लाऊंगा वो गन? लगता है उज्जवल भाई से फोन करके पूछना पड़ेगा, पर अभी तो सुबह हो रही है, वो फोन नहीं उठाएंगे। क्या करूं? रुक जाओ, मेरे पास एक आईडिया है। तो काइजर अभी हमने गूगल से पता कर लिया है कैसे हम इन सारे एलियंस को खत्म कर सकते हैं। बाबा मुझे तो बताओ। अच्छा हाँ, मैंने गूगल पर देखा है, एक मुझे खतरनाक सी गन दिखाई गई, वो गन सही में बहुत खतरनाक थी और उसमें से लेजर निकलती है। हमें वो वाली गन चाहिए होगी इन सारे एलियंस को मारने के लिए। अरे तो वो गन कहाँ पर मिलेगी? अभी लेकर आती हूँ मैं। वो मिलेगी नहीं, हमें उसको बनाना पड़ेगा, वो भी मेरे ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड पर। क्या ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड? वो क्या होता है? मेरे पास एक ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड है जिस पर हम जो भी बनाते हैं वो रियल लाइफ में आ जाता है, तो हमें उस पर वो खतरनाक सी गन बनानी पड़ेगी ताकि वो रियल लाइफ में आ जाए। तो कौन चलेगा मेरे साथ? जिसको मेरे साथ चलना है आगे आ जाओ। ओ ब्लैक पैंथर। अरे नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ? आ जाओ ब्लैक पैंथर, हम दोनों जाने वाले हैं अपने खतरनाक से ड्राइंग मैजिक बोर्ड को यूज करने और बनाने वो खतरनाक सी लेजर गन। फ्रैंकलिन ये लो तुम्हारे लिए खतरनाक सी कार, ये तुम्हारी सेफ्टी करेगी और अगर वापस मिले, और अगर तुम हमें जिंदा वापस मिले तो हम पार्टी करेंगे। जिंदा वापस मिले? अब एक तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम सब सुपर हीरो और मुझे और डरा रहे हो। आजा ब्लैक पैंथर, तू टेंशन मत ले, हमें कुछ नहीं होने वाला। अरे अरे तुम टेंशन मत लो, मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता। वैसे तो जब बता दूं, वो एलियन ने एक बार भी तो टच भी किया तो एलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मुझे उतारो, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ, मुझे उतारो। अब तो तू मेरे साथ बैठ चुका है और अभी हम जाने वाले अपने सीधा घर पर अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड को यूज करने। और ये गाड़ी सही में बहुत ही खतरनाक है, इसका जो बोझ है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं इसको उड़ाकर या फिर रोड पर चलाकर सीधा अपने घर पर और बनाते वो खतरनाक सी गन जो कि इन सारे एलियंस को खत्म करने वाले। तो गाइस सर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अभी तक सेव अर्थ कमेंट नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर देना, तभी हमारे चांसेस बढ़ने वाले इस अर्थ को बचाने के, वरना अर्थ तो गई। तो गाइस सर अभी हम लोग मेरे घर पर आ चुके हैं। ये क्या, ये एलियंस के बच्चे तो मेरे घर पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लो इन सबको मैं मार दूंगा। पर गाइस सर ये एलियंस बहुत खतरनाक है, ये थोड़ी देर में फिर से जिंदा हो जाएंगे, हमें जल्दी से मैच बोर्ड पर जाकर उस खतरनाक सी ड्राइंग को बनाना पड़ेगा। ब्लैक पैंथर जल्दी जाकर मैजिक बोर्ड ढूंढ, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब यूज किया था, कहां पर रखा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। स्विमिंग पूल के अंदर तो नहीं होगा, रुक जाओ, मुझे लगता है जहां पर मैं कपड़े रखता हूं ना वहां पर रखा होगा। नहीं यहां पर भी नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा फ्रैंकलिन। अरे कहां पर रख दिया ड्राइंग मैजिक बोर्ड, हमें जल्दी से चाहिए होगा। और ये रहा, काइजर मिल गया। तो काइजर फाइनली मुझे अपना ड्राइंग मैजिक बोर्ड मिल चुका है और इस पर हम खतरनाक सी गन बनाने वाले हैं जो कि इस पूरे लॉस सैंटोस को बचाने वाली है उन खतरनाक से एलियन से। तो चलो यार फटाफट से ड्राइंग शुरू करते हैं। तो गाइसर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर और इस पर हमें बनानी है वो खतरनाक सी गन जो कि सारे एलियंस को खत्म कर सकती है। तो लेट्स गो, फटाफट से अपने ड्राइंग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेने वाले सबसे पहले एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की मदद से हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले इस गन के पीछे के पार्ट से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और इस पूरी की पूरी गन को बनाते हैं। तो गाइस ये वाली गन सिर्फ टेक्नो गेमर्स के पास है, इसलिए मैं उनसे ले तो सकता नहीं था, वो सो रहे होंगे ना, वरना मैं फोन लगा के बात कर लेता, मेरे पास नंबर भी है, अगर आपको नंबर चाहिए तो कमेंट करो। तो इसलिए अभी मुझे खुद ही अपने हाथों से बनाना पड़ेगा अपने ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड का यूज करके। तो फटाफट से यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देंगे, फिर यहाँ पर अपनी ड्रॉइंग को करते हैं कंटिन्यू और यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे लेजर बॉक्स जिसके अंदर से सारी की सारी लेजर स्टोर होने वाले
वाली है, तो फटाफट से उसको यहाँ पर बना देते हैं 3-2-1। तो गाइज़र ये गन सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, एक बार इस गन को बन जाने दो, इससे खतरनाक गन आपने आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। तो चलो यार फटाफट से इसको यहाँ पर हमने कर दिया कंप्लीट, और इसके यहाँ पर भी इसको लेकर जाते हैं और इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये गन सही में बनाना बहुत ही मुश्किल है, अगर कुछ भी गलती यहाँ पर हुई तो ये गन काम नहीं करने वाली और हम किसी भी एलियन को वहां पर नहीं मार पाएंगे। तो हमें इसको बिल्कुल ढंग से बनाना भी पड़ेगा। यहाँ पर इधर बनाते इसका पाइप जहां से इसकी सारी की सारी लेजर जाने वाली है। तो फटाफट से ये बन गए दोनों पाइप और इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट भी कर देते हैं। ओके ये काम हमारा हो चुका है, अब फटाफट से बाकी की चीजें यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर बनने वाली है मोटर जिसमें ये सारी की सारी लेजर्स निकलेगी और सामने से एलियन को शूट होने वाली है। ओके तो यहाँ पर मोटर भी डन हो चुकी है, अब हम लेंगे यहाँ पर एक खतरनाक सा ट्रायंगल और यहाँ पर इसको कनेक्ट करने वाले हैं इससे और ये ऐसे। तो अभी हमारा ट्रायंगल भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, अब इसको फटाफट से ड्रॉइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चाहिए एक हमें हैंडल इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि बिना पकड़े इसको चलाऊंगा कैसे। और गाइस ये हो चुका है यहाँ पर डन, अब मोटर के ऊपर से यहाँ पर एक खतरनाक सा पाइप जाने वाला है जो कि जाएगा सीधा इससे कनेक्ट होके, और ये भी यहाँ पे हो चुका है डन। फटाफट से यहाँ पर सारी की सारी चीजें इसकी बनाना शुरू करते हैं ताकि हम इस खतरनाक सी गन को जल्दी से स्टार्ट कर पाए और उन सारे के सारे एलियंस को खत्म कर पाए। तो गाइजर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि गाइजर हमें लॉस सेंटोस को बचाना है। और अगर हम लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हम लॉस सेंटोस को बहुत ही आसानी से और जल्दी बचा लेंगे, वरना लॉस सेंटोस के और भी बहुत सारे लोग एलियंस में कन्वर्ट होते जाएंगे तो उनको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपन फटाफट से इस ड्रॉइंग को यहाँ पर बनाते जाते हैं। ये ड्रॉइंग बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस लॉस सेंटोस को बचाने के लिए। तो फटाफट से ये भी हो चुका है यहाँ पर डन, इसको यहाँ सर ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसका पाइप जाने वाला है यहाँ पर। तो गाइजर आप देख सकते हो लगभग हमारी गन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बस दो तीन चीजें करना बाकी है, उनको भी फटाफट से करते हैं और फिर इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करके रियल लाइफ में हम लाने वाले। क्या गाइजर आपने कभी ऐसा ड्राइंग मैजिक बोर्ड यूज किया है जिस पर हम जो भी बनाते हैं वो रियल लाइफ में आ जाता है? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता देना और इसको यहाँ पर ऐसे लेकर आ जाएंगे और ये डन और ये भी डन। तो गाइजर मुझे तो ये गन अभी से बहुत खतरनाक लगने लग चुकी है, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सोचो कितनी ज्यादा खतरनाक ये लगने वाली है। फटाफट से इसको जितनी चीजें बची है उसको भी कर देंगे कंप्लीट, फिर इसके अंदर हमें कलर भी तो करना है, कलर भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फटाफट से जितनी चीजें बची है उनको भी यहाँ पर कर देते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हमें वेंट बनानी है, यहाँ पर एक स्क्रू चाहिए और मेरे ख्याल से हमने पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। अब इसके अंदर हम कलर करना शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा येलो कलर, उसको यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर भी। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा ग्रीन कलर, यहाँ पर करेंगे ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन करते छोड़ देते हैं, इसमें भी बीच में ग्रीन कर देते हैं और फिर से ग्रे कलर लेके थोड़ा ग्रे कलर ज्यादा होने वाले क्योंकि पाइप्स पे सिर्फ ग्रे कलर होता है, तो यहाँ पर अपन हर जगह ग्रे कलर भी कर देंगे 1-2-3। ये भी डन, जितने पाइप्स हैं उन सब में ग्रे कलर होने वाला है। फिर डार्क ग्रे कलर लेके हम इसके अंदर करने वाले हैं, ये मोटर में हमारा कलर हो चुका है। उसके बाद ब्राउन कलर लेके इधर भी कर देंगे पूरा करा का ब्राउन कलर और इन वाले पाइप्स के अंदर भी डार्क ग्रे और पीछे हम करने वाले हैं ब्लैक। जो स्टैंड्स और ये सब चीजें होती है वो तो ब्लैक ही होती है, तो स्टैंड भी यहाँ पर कलर हो चुके हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर एड कर देते हैं और इसमें हम करने वाले डार्क मैरून कलर और ये डन। तो गाइजर आप देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक लगने लग चुकी है ये गन। और गाइजर अब बस एक ही चीज करना बाकी है, इसके अंदर खतरनाक लेजर निकालना बाकी है जो कि उन सारे के सारे एलियंस को मारने वाली। तो ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं और देखते हैं कैसी लग रही है गन और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइजर आप देख सकते हो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद ये हमारी खतरनाक सी गन यहाँ पर बन चुकी है। और ये क्या, ये एलियंस तो मेरे घर के अंदर आ रहे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे घर पर आओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये ना
हूँ। इन सभी को तो हमने खत्म कर दिया। आजा ब्लैक पैंथर, इन सारे एलियंस को खत्म करने का टाइम आ चुका है और वापस से इनके खुद के प्लेनेट पर भेजने का टाइम भी आ चुका है। एक सेकंड, यहाँ पर ये कैसे बच गया? ये ले, चलो फटाफट से लेकर चलते हैं आयरन मैन के पास इस खतरनाक सी गन को। और कैसर, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये गाड़ी से तो मरने नहीं वाले, ये सारे के सारे लोग फिर से खड़े हो जाएंगे, पर कैसर इस खतरनाक सी मेरी गन के बाद ये कभी नहीं खड़े होने वाले। अभी मैंने इन सबको यहाँ पर मार दिया है और कैसर अभी हम जाने वाले इनके बॉस को खत्म करने, क्योंकि जब तक इनका बॉस जिंदा है पूरा लॉस सैंटोस खतरे में। और ये गाड़ी एक तो बार बार हवा में उड़ने लग जाती है। फ्रैंकलिन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे लगता है हम पूरे लॉस सैंटोस को बचा लेंगे। हाँ ब्लैक पैंथर, मुझे भी यही लगता है, हम पूरे लॉस सैंटोस को बचाने वाले। फटाफट से मैं आयरन मैन को फोन कर बुला लेता हूँ जहाँ पर वो खतरनाक सा एलियन है, ताकि सबके सामने मैं उस खतरनाक से एलियन को खत्म कर दूं। लेट्स गो, फटाफट से आयरन मैन को फोन लगाते हैं। अगर आपको आयरन मैन का नंबर चाहिए तो देख लेना, 9841526 85। तो गाइस सर, अभी हमें पता चला है कि वो सारे के सारे एलियंस इस स्टेडियम के अंदर है, तो अभी हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आयरन मैन और ब्लैक पैंथर भी मेरे साथ है, आ जाओ, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग आ गए, मैंने सुना तुमने मेरे 4-5 एलियन को मार दिया, पर तुमको पता नहीं है मेरी पूरी आर्मी खड़ी होने वाली है यहाँ पर। तेरी आर्मी को तो मैं यूं खत्म कर दूंगा। हम एलियंस है एलियंस, हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। फ्रैंकलिन बता दो इसको। अभी बताता हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी सारे के सारे एलियंस को खत्म कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है, ये तुमने कैसे किया? कैसे किया, क्यों किया, वो सब तो बाद में बात करेंगे। अभी तुम सरेंडर कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुमको लगता है तुमने मेरे 4-5 पित्ती एलियंस मार दिए तो तुम मुझे भी मार दोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये ले, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये लो। अरे मुझे बचाओ। तुम्हें लगा था तुम मुझे डरा लोगे, ये लो, तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस लॉस सैंटोस को आज मैं खत्म करके रहूंगा, कोई भी नहीं बचा सकता तुम सबको। ये लो। अरे कैसर, ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है, मैंने सोचा था मैं इसको खत्म कर दूंगा इस गन से। तेरी तो फ्रैंकलिन, ये ले। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हो गया फ्रैंकलिन, मुझसे डर क्यों रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। निकल यहाँ से, मैं इस पूरे लॉस सैंटोस पर राज करने आया हूँ और करके रहूंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, एवेंजर्स भी नहीं और तुम भी नहीं फ्रैंकलिन। अरे तो ठीक है ना, कितना मारोगे? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अगली बार यहाँ पर मत आना फ्रैंकलिन, पूरे की पूरी अर्थ मैं खत्म करके रहूंगा। आ जाओ मेरे एलियंस, अपनी आर्मी को बढ़ाओ और इस लॉस सैंटोस पर कब्जा करो। अरे कैसर, उसने तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी, मैंने सोचा था मैं उस एलियन को उस गन से खत्म कर दूंगा, पर कैसर वो एलियन इन नॉर्मल एलियंस की तरह नहीं है, वो सही में बहुत खतरनाक है। थॉर ने बिल्कुल सही कहा था, उसको खत्म करना नामुमकिन है और वो इस पूरे अर्थ को खत्म कर देगा। उसने आयरन मैन और ब्लैक पैंथर के साथ क्या किया वो तो मुझे पता भी नहीं है, पर मेरी हालत खराब हो चुकी है ये मुझे जरूर पता है। पर कैसर, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर हार मान लूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इस पूरे लॉस सैंटोस को बचा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कैसर, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर पर उस ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड को यूज करने, जो कि हमारी मदद करी थी गन बनाने में। पर कैसर, इस बार हम कोई गन वन नहीं बनाने वाले, इस बार हम बनाएंगे एक ऐसी खतरनाक चीज जो कि उस खतरनाक से एलियन को हरा सके, मार सके, ताकि हम पूरे लॉस सैंटोस को बचा सके। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि वो क्या होने वाला है। तो चलो यार, फटाफट से शुरू करते हैं अपनी ड्राइंग और बनाते हैं वो खतरनाक सा मॉन्स्टर। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं खतरनाक से ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर, और इस मैजिक बोर्ड पर हम आए और ये हमारा आखिरी बार हो सकता है ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर, क्योंकि ये आखिरी बार मैं ट्राई करने वाला हूँ। इसके बाद वो एलियन मेरे जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, पिछली बार तो उसने हमें छोड़ दिया, पर इस बार वो नहीं
नहीं छोड़ेगा अगर हमारा ये फेल होता है तो। लेट्स गो, फटाफट से ड्राइंग शुरू करते हैं और मैं एक खतरनाक सा मॉन्स्टर यहाँ पर बनाने वाला हूँ। देखते कौन सबसे पहले गैस कर पाएगा ये कौन सा मॉन्स्टर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो चलो यार फटाफट से ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फेस बनने वाला है, ये उस मॉन्स्टर का फेस नहीं है, अभी आपको थोड़ी देर पता चल जाएगा किसका फेस है ये। तो चलो यार फटाफट से यहाँ पर ड्रॉइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे उसका शोल्डर। और गाइस यार ये ड्रॉइंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो फटाफट से लेकर जाते हैं। यहाँ पर इसका हाथ बनने वाला है, अब इतना कमजोर हाथ नहीं है। मैं बता दूं मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैं इसके हाथ देने वाला हूँ ऐसे, और इसको फटाफट से थोड़ी डिजाइन भी दे देते हैं। और इसका हाथ बनने वाला है ये पूरा का पूरा खतरनाक सा हाथ यहाँ पर हमने बना दिया। जब ये पूरी ड्रॉइंग कम्प्लीट हो जाएगी तब आपको समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। अभी फटाफट से शुरू करते हैं, यहाँ पर भी इसका शोल्डर बनाते हैं और यहाँ पर भी हम इसका हाथ बनाने वाले हैं। तो गाइस सर अभी यहाँ पर दूसरा हाथ भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसको भी फटाफट से नीचे लेकर जाएंगे, यहाँ पर दो तीन झाड़ी देंगे और ये यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो यार ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे तो। एक बार इसको पूरा कंप्लीट होने दो, फिर आपको समझ आने लग जाएगा कि मैंने ये सब क्या किया है। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही तगड़ी वाली चेस्ट बनाने वाले हैं। ऐसी चेस्ट एक ही सिर्फ एक ही मॉन्स्टर की होती है, जो कि अभी आपको पता चलने ही वाला है बस। और यहाँ पर भी फटाफट से इसके एब्स भी बना देंगे हम यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया एब्स। और ये डन, अभी फटाफट से बाकी की ड्रॉइंग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये बन गई, इसकी नीचे की बॉडी भी यहाँ पर बनने वाली, वापस करते हैं यहाँ पर लेकर जाएंगे। और इसके खतरनाक खतरनाक पैर हम यहाँ पर बनाने वाले, सेम टू सेम इस साइड पर भी नीचे लेकर जाएंगे और यहाँ पर खतरनाक खतरनाक पैर बनने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन और ये ऐसे बनेगा और यहाँ पर भी फटाफट से कर देते। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये ऑलरेडी खतरनाक लगने लग चुका है। अब इसके यहाँ पर फटाफट से अंगुलियां बना देते हैं पैर की, ये हो गया डन। अब इधर भी सेम टू सेम कर देंगे डन। तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है। आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। मुझे पता है अभी आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है, पर अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। और जो फेस होने वाला है वो यूज करने वाले हैं हम फ्रैंकलिन का। जी हाँ, फ्रैंकलिन का फेस इस खतरनाक से मॉन्स्टर के अंदर होने वाला है। तो फटाफट से इसकी आंखें बना देते हैं बिल्कुल फ्रैंकलिन जैसी, यहाँ पर नाक बनेगी और इसका जो मुंह है वो मैं इस मॉन्स्टर जैसा ही रखने वाला हूँ, वो भी खतरनाक खतरनाक दांतों के साथ। तो मुझे तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो गाइस यार फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन सा एनिमल है ये। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि एक एनिमल है। तो चलो फटाफट से इसके अंदर कलर करना शुरू करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक कलर और इसके यहाँ पर पूरे पैरों में करने वाले हैं। उसके बाद डार्क ग्रे कलर इधर, उसके बाद शक्ल में करेंगे डार्क ग्रे, ब्लैक कलर इसके आंखों में कर देंगे। वैसे शक्ल भी हमें काली रखनी चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा काला ही होता है ना, क्या करूं। और फटाफट से अपन लाल कलर लेके इसके दांतों के अंदर कर देते हैं। 1 2 3 ओके ज्यादा हो गया। लेट्स गो, दांतों में भी यहां पर कलर हो चुका है ब्राउन करके इसकी पूरी की पूरी चेस्ट। और एब्स इसके हाथ रहेंगे ग्रे कलर के, लाइट ग्रे कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा। पैरों में भी कलर कर दिया। तो गाइस यार अभी यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है हमारा खतरनाक सा किंग कॉन्ग। तो जिसने कमेंट किया था किंग कॉन्ग वो बिल्कुल सही है, हमारा किंग कॉन्ग यहां पर रेडी है, वो भी फ्रैंकलिन वाला। तो चलो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं। उससे पहले हम इसकी थोड़ी पावर बढ़ाने वाले, PWER power into 1000 हो चुकी है। फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं और ये पेंटिंग बनाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। तो काइजर मैंने आपको बोला था मैं एक खतरनाक सा मॉन्स्टर बनाने वाला हूँ, और हमारा मॉन्स्टर यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका है। हमने बना दिया एक खतरनाक सा किंग कॉन्ग, वो भी फ्रैंकलिन वाला। ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इसकी मदद से हम उस एलियन को खत्म करने वाले। तो चलो यार बिना किसी देरी के चलते हैं और उस एलियन को बताने और उस एलियन को बताते कि कौन है सबसे खतरनाक। तुम फिर से आ गए, लगता है तुम अभी भी समझे नहीं कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते और मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ फ्रैंकलिन। अबे एलियन के बच्चे, अपनी हाइट देख के तो बात कर, तू मेरे सामने एक पिद दी है और मैं तो सिर्फ 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। आ जाओ फिर देखते हैं कौन किसको खत्म करता है 1 सेकंड में। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, रुक जा। हमें तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, मैं तेर से ऊंचे ऊंचे तो जंप मार रहा हूँ। और काइजर ये एलियन तो मेरे सामने बहुत ही कमजोर हो चुका है, ये कुछ भी नहीं कर सकता मुझे। क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अबे अरे रुक जा, रुक जा। अबे कहाँ फेंक रहा है, अरे क्या कर रहा है मेरे साथ? मैंने बोला था मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अबे तेरी ऐसी की तैसी, क्या गुस्सा मत दिलाओ, मुझे परेशान मत कर। तू काइजर मुझे लगा था ये मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर ये फिर भी
मुझे मार तो पा रहा है, पर गाइजर हम भी एक किंग कॉन्ग है, हम इससे डरने नहीं वाले। मैंने तेरे जैसे बहुत बंदरों को मारा है और आज तुझे भी मार दूंगा। अबे बंदर और किंग कॉन्ग अलग अलग होता है, तुझे इतना भी नहीं पता? अबे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? ये तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। गाइस सर मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इस बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर इसके ऊपर कूदेंगे। ये क्या कूद गया? तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अबे नीचे आ, कहाँ चला गया? तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। इसके ऊपर फाइनली हम यहाँ पर कूद चुके हैं। इसको मारूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। कहाँ गया? मेरे सामने आ। ये लो आ गया सरप्राइज। अबे तेरी सरप्राइज की ऐसी की तैसी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो गाइजर इस एलियन को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसने लॉस सेंटोस वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। तो इसको खत्म करते हैं फटाफट से, मार मार के, पीट पीट के। इसको मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। एक तो बार बार कहां जाकर छुप जाता है? मैं इधर ही हूं। तो इधर आना, कहां जा रहा है? यार निकल यहां से। इसको तो आज हम कैसे भी करके खत्म करके रहेंगे। फिर से छुप गया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एलियन के बच्चे तेरा टाइम आ चुका है सेंटोस को छोड़कर जाने का। और छोड़कर भी क्या जाएगा, मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुझे मार सकता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, ये ले, ये ले। तो गाइजर इस एलियन को मारने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अगर हम चाहे तो मैं इसको जल्दी से खत्म कर दूं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इसका चैप्टर जल्दी से जल्दी क्लोज कर दे। तो मेरा चैप्टर क्लोज करेगा मोटे काले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। काला किसको बोला? काला क्यों बोला? मुझे गुस्सा आ चुका है। काला नहीं बोलना चाहिए था, ये ले। अब वैसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसने मुझे काला कैसे बोला, ये ले। इसको तो मैं बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ, इसने मुझे काला बोल दिया। अब ये बिल्कुल नहीं बचने वाला, ये ले। तो कैसर इसी के साथ हमने इस कबूतर जैसे दिखने वाले एलियन को कर दिया है खत्म। और कैसर हम इसको यूएफओ में वापस तो नहीं भेज सकते, पर हम इसको पानी में जरूर डाल सकते हैं। मैं इसको साफ पानी में डाल रहा हूँ, नाले में डालना चाहिए था। रुक जाओ, यहाँ से नाला जाता है, ये सीधा यहाँ से नाले में पहुंच जाएगा। चल बोट यहाँ से। तो कैसर इसी के साथ एलियन की कहानी होती है खत्म, और हमने लॉस सेंटोस को बचा लिया एक फ्रैंकलिन किंग कॉन्ग बनकर। क्या आपने कभी देखा है एक फ्रैंकलिन किंग कॉन्ग? मैंने तो कभी नहीं देखा। फटाफट से कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है आपको ये खतरनाक सा किंग कॉन्ग। तो कैसे राशि से बिता ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वापस जाके ज्वाइन फॉलो करना। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।